दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। ये है सुबह का ब्रेकफास्ट और ये है दिन का लंच। मतलब मैंने अपने लिए मंगाया था मोमोज, हस्बैंड तो खाते नहीं, अब मैं हुई ही चटोरी तो क्या करूँ। उनके लिए बनाया था अंडा करी एक बार फिर से। और मैंने देखा दोस्तों, मैं एक हाथ से कोई काम ही नहीं कर पाती हूँ। मतलब पैकेट खोलने की कोशिश कर रही थी और लुंज हो जा रही थी। खाना चाह रही थी कि देखो मोमो कितने अच्छे लग रहे हैं, गरम गरम भाप भी आ रही है, लहसुन जैसे दिख रहे थे और ये थी चटनी धुआंधार। सच बताओ दोस्तों, मैंने 10 सेकंड में 3 मोमो खा लिए, वो भी गरम गरम। आपको मैं बता नहीं सकती कितने टेस्टी लग रहे थे। ये मैंने पहले क्यों नहीं खाए दोस्तों। खैर, अब मैं अपनी गलती को सुधार रही हूँ। और आ गई थी शाम तो मैं बनाने लगी थी डिनर। आज बना रही हूँ चिकन करी एक बार फिर। दोस्तों, डे बाय डे मैं कुकिंग में एक्सपर्ट होती जा रही हूँ। थोड़ा भी चाहिए, स्किल्स आनी चाहिए क्योंकि काम आती है। और इस बार नए चावल आए तो बड़ी मुश्किल से बना रही हूँ इन्हें। अरे हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से मैं एक बार शेयर करना चाह रही थी, ये जो परफ्यूम है इसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ और ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। अरे तो किसी और परफ्यूम में नहीं देखी, सब में अल्कोहल बहुत ज्यादा होता है लेकिन ये अल्कोहल फ्री है। मेरी एक फ्रेंड जो रोज कॉलेज जाती है और उसको ऐसे कोई परफ्यूम चाहिए था जिसकी फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्ट करे, अफोर्डेबल प्राइस पे हो, तो मुझे यही याद आया अमेजोन में आराम से मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाता है, अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। दोस्तों, एक चीज तो अच्छी है मुझमें कि मेरा वेट लॉस बड़ी जल्दी होता है, जरा सी मेहनत कर लूं और हो जाती हूं पतली। तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मुझे दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा फर्क आने लगा है। दोस्तों, इन लाइटर्स को देख के आप सोच रहे होंगे कि कोई सिगरेट पीता होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ये मैंने रखे है धूप बत्ती जलाने के लिए, क्योंकि माचिस जलाओ तो घर में गंदगी होती है, इसलिए मैंने हर प्रकार के लाइटर खरीद के रखे है घर में। खैर दोस्तों, आज मेरी हो गई थी लड़ाई हस्बैंड से, इसलिए मैं बाहर जाके खड़ी होकर सोच रही थी हस्बैंड जब आएंगे तो उनको मुंह चिढ़ाऊंगी बाहर खड़े होकर। फोन भी अंदर छोड़ आई थी कि अगर कॉल करेंगे तो उठाऊंगी भी नहीं और फिर जब उनको मेरी चिंता होगी तो कल ठिकाने आएगी। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।